बॉलीवुड स्टार्स को मीडिया अटेंशन काफी पसंद होता है, लेकिन इन दिनों एक टॉप एक्ट्रेस मीडिया से ही नजरें चुरा रही हैं। मीडिया को देखकर मैडम भाग जाती है, वो किसी अवार्ड फंक्शन में जाती हैं तो दूसरे स्टार्स के साथ साथ वो मीडिया से एकदम ही दूरी बना करके रखती हैं। तो आखिर कौन सी है ये हसीना और क्यों ये बना रही है मीडिया से दूरियां, आइए जानते हैं। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती में दीपिका पादुकोण के लुक और अंदाज की जमकर तारीफ हुई थी। वहीं विवादों के बीच दीपिका पादुकोण ने अपनी फिल्म का जमकर प्रमोशन किया, हर विरोध करने वालों को करारा जवाब दिया। लेकिन अफसोस, फिर भी फिल्म की रिलीज डेट टल गई। अब शाहिद कपूर और रणबीर सिंह ने तो अपनी दूसरी फिल्मों की शूटिंग शुरू कर दी है, लेकिन दीपिका पादुकोण के हाथों कोई बड़ी फिल्म नहीं लगी है। साल 2015 में उनकी फिल्म पीकू रिलीज हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। वहीं इस साल उनकी पहली हॉलीवुड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखाया, जिसके बाद वो साल भर से पद्मावती पर काम कर रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देगी, लेकिन अफसोस, दीपिका की सारी मेहनत पर पानी फिर गया जब मेकर्स को हंगामे के डर से फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन करना पड़ा। हालांकि दीपिका को लग रहा था कि मेकर्स बहुत जल्द नई रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर देंगे। करीब एक महीना गुजर चुका है, लेकिन पद्मावती की नई रिलीज डेट का कोई अता पता नहीं चला है। ट्रेजेडी तो ये है कि सेंसर बोर्ड की तरफ से भी अब तक फिल्म को ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। पद्मावती के साथ हो रहे इस सितम की वजह से दीपिका पादुकोण काफी अपसेट हैं। रिसेंटली एक इवेंट नाइट में दीपिका पादुकोण से जब बात करने की कोशिश की गई, तो वो काफी इमोशनल हो गईं। दीपिका ने तो अब मीडिया के सामने आना भी करीब करीब बंद ही कर दिया है। हालांकि हाल ही में हुए एक अवार्ड फंक्शन में दीपिका पादुकोण नजर जरूर आईं, लेकिन अपसेट दीपिका ने रेड कार्पेट पर कोई पोज नहीं दिया, वो सीधे अवार्ड फंक्शन के लिए चली गईं। कहा तो ये भी जा रहा है कि पद्मावती की वजह से मिल रही टेंशन ने दीपिका का वजन भी कम कर दिया है, यानी भंसाली की फिल्म की वजह से मिस पादुकोण पर काफी सितम हो रहा है। अब देखना ये है कि आखिरकार फिल्म पद्मावती रिलीज कब होगी और दीपिका पादुकोण हमें अगली बार कौन सी फिल्म में दिखाई देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीसी मणिपुर। Hi, मैं हूं शिल्पा शिरोडकर और प्लीज कीप वॉचिंग आईबीसी 24। Hi, I'm Faisal Khan and you're watching आईबीसी 24. Keep watching. Hi guys, this is Gambhir Singh and you're watching आईबीसी 24. Hi, this is Ali Fazal and you're watching आईबीसी 24. Hello, this is Sandeep Soparkar and you're watching आईबीसी 24. Hi, my name is Jay Soni and you're watching आईबीसी 24.